नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एनडीएस से सुख, शांति, समृद्धि और आनंद कैसे मिलेगा। तो आपको लगेगा कि ये तो लॉटरी लग गई, अगर सुख भी मिल गया, शांति भी मिल गई, आनंद भी मिल गया, समृद्धि भी मिल गई, और वो भी सिर्फ एनडीएस करने से। तो हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि आपको इसके लिए कोई हवन करने की जरूरत नहीं, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, कोई महाराज को 151 रुपये देके या 2000 या 5000 रुपया देके कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आपको अपने हाथ की लकीरें दिखाने की जरूरत नहीं, कोई महाराज के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर में बैठ के न्यू डाइट सिस्टम की सिस्टम को फॉलो करना है, तो आपके घर में सुख भी रहेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। अगर घर में किसी का क्रोध वाला स्वभाव है तो वो भी शांत हो जाएगा, और अगर आपके घर में कोई मनी का प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको समृद्धि मिल जाएगी। तो इतने सारे फायदे ये न्यू डाइट सिस्टम से कैसे होते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, स्वस्थ है, बीमार है, कोई भी इंसान है, अगर पूरा फैमिली अगर न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करेगा तो घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इससे अखंड आनंद मिलता है, अखंड सुख मिलता है, अखंड ज्ञान प्राप्त होता है और अखंड शांति भी मिलती है। ये अखंड का मतलब क्या है कि कभी खंडित नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, कभी पूरा नहीं हो जाएगा। जैसे अक्षय पात्र है वैसे ही ये न्यू डाइट सिस्टम है। अगर आपने एक बार पकड़ लिया फिर उसको छोड़ना नहीं है, इससे आपका हेल्थ और वेल्थ सब कुछ काम में आ जाएगा। अगर आप कोई ज्योतिष के पास जाओगे तो ज्योतिष सबसे पहले अपना फायदा ढूंढेगा कि भाई चलो 5000 रुपये का हवन करवा देते हैं, तो 5000 का किसका फायदा हुआ, वो सिर्फ पंडित का फायदा हुआ, वो सिर्फ महाराज का फायदा हुआ। ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ गलत होता है, लेकिन आप कब तक ये चक्कर में घूमते रहोगे, कितने साल से आप ये सिस्टम को ढूंढ रहे हो कि कहाँ पे जाए, किसको पूछे, कहाँ पे कोई महाराज मिल जाए, कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए, कोई ऐसा अक्षय पात्र मिल जाए कि हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि मिल जाए। कोई आपको ये बोलेगा कि अहमदाबाद में सबसे बड़े कोई महात्मा आए हैं तो आप उनको मिलने चले जाते हो, या कोई बोलेगा कि गुजरात के बाहर कोई स्टेट है वहां पे आपको जाना पड़ेगा तो आप वहां पे भी चले जाते हो, लेकिन यहाँ या वहाँ, यहाँ वहाँ कहीं पे भी भटकने भी जरूरत नहीं है। सिर्फ न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करोगे, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद, खुशियाँ, प्रेम सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा क्या है ये सिस्टम में, तो इसके लिए हमने 800 वीडियो बनाई है, वो सारी वीडियो आप देखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज ही देखनी है, हर रोज 5 वीडियो देखिए, और सिर्फ देख के बंद नहीं कर देना है, देख के इसको फॉलो करना है, और फॉलो करते करते आपको भी लाखों लोगों तक ये वीडियो फॉरवर्ड करनी है, तब आपको लाभ होगा। तो कैसे लाभ होगा मैं आपको बताती हूँ। तो उससे आपको एक बार हवन नहीं करवाना पड़ेगा, 10 बार हवन नहीं करवाना पड़ेगा, 10 महाराज को, 10 पंडित को, 10 ज्योतिष को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ घर में सबसे पहले मॉर्निंग में दूध लाना बंद कर दीजिए, जिससे आपके घर में एक चाय बनती है, कॉफी बनती है, छाछ बनती है, दही बनता है, मक्खन बनता है, वो एनिमल प्रोडक्ट लाना बंद कर दीजिए। और इसकी जगह पे सुबह सुबह में कुछ तो पीना पड़ेगा, तो आप ग्रीन जूस का सेवन कीजिए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, तो हमारे शरीर में जैसा भोजन जाएगा वैसी हमारी बुद्धि मिलेगी, वैसे हमें ज्ञान मिलेगा और वैसे ही हमारी सोच बदलेगी। तो सोच बदलनी है हमें तो हमारा भोजन हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारी लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा।
तो इसके लिए आपको सबसे पहले सुबह में सिर्फ आप ही नहीं पूरे परिवार की लाइफस्टाइल चेंज करो, धीरे धीरे चेंज करो, आज नहीं तो कल चेंज करो। लेकिन इसको पकड़ो आप, इससे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सुख शांति समृद्धि मिल जाएगी। किसी का ले लेने का, किसी का छीन लेने का, किसी को मार देने का, इसके पास चार गाड़ियां, मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं, इसके पास 10 बंगले, मेरे पास एक ही फ्लैट, मेरे पास पुराना फ्लैट, या फिर मेरे पास भाड़े का किराया का फ्लैट, ये सारी सोच है वो भी सारी बदल जाएगी। ईर्ष्या भाव, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी की सारी चिंताएं भी दूर हो जाएगी। टेंशन फ्री हो जाओगे, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। तो सबसे पहले घर में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का त्याग कीजिए। दोपहर में जो लंच बनता है आपके घर में, उसमें किचन को क्लोज कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ फलाहार कीजिए। 365 डे फलाहार करना है, या तो फिर आपको सलाद का सेवन करना है, या तो फिर अंकुरित कुछ चीज बना के खाइए। अगर पैसे कम है आपके घर में तो भी ये सिस्टम को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप 5000 रुपया पंडित को हवन के लिए दे रहे हैं तो 5000 की लौकी का जूस पी लीजिए, या तो फिर 5000 का फ्रूट ले आइए और पूरा महीना खाइए। सिर्फ एक महीना करके देखोगे, चमत्कार हो जाएगा। ये जड़ी बूटी है, ये औषधि है, जो अपक व भोजन ईश्वर बनाता है वो हमें खाना है। हमारे लंच में पूरे घर में जितने भी फैमिली मेंबर है, आप 10 केले खा लीजिए, 20 केले खा लीजिए, कैसे पेट नहीं भरेगा? आपके पेट में खाने की जो जगह है, रोटी सब्जी दाल चावल, उसका वजन कीजिए। आप 500 ग्राम खाते हो, 1 kg खाते हो, तो उतना ही आप फल खा लीजिए। टमाटर सिर्फ 20 के किलो है, 50 के किलो है, 1 किलो टमाटर खा लीजिए। वैसे भी रोटी सब्जी दाल चावल बनाते हैं तो एक डिश 100 रुपीज की पड़ती है, अगर बाहर जाते हैं तो। अगर घर में बनाते हैं तो भी 50 रुपये की पड़ती है। तो 50 रुपये का फ्रूट खा लीजिए और आप अपनी सोच बदलिए, आप अपना पेट बदलिए, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दीजिए। फिर बस इतना ही करना है, शाम को आप जो भी खाते हो, जो भी पकाते हो, सब कुछ खाइए शाम के डिनर में। उसमें हम कुछ भी आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, लेकिन आपके घर में सबसे बढ़िया एक यंत्र होना चाहिए। ये ऐसा यंत्र है कि जो महाराज देते हैं वैसा नहीं है, ये शरीर की शुद्धिकरण का यंत्र है। इसको हम नाम दिया है संजीवनी पॉट। तो ये संजीवनी पॉट अगर आपके घर में होगा तो पुराना मल जो है वो पेट में से निकल जाएगा, अच्छी नई सोच आएगी और घर में समृद्धि आएगी और घर में सुख आएगा और घर में शांति आएगी और घर में आनंद मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास 10 गाड़ी हो तो ही सुख मिलता है, हम चल के भी जाएंगे तो भी हमें सुख मिलना चाहिए। अगर हमारे पास पूरा कपबोर्ड भर के, अलमारी भर के कपड़े नहीं है, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा है, तो भी उसमें से सुख मिलना चाहिए। सुख जो है वो भौतिक चीजों से नहीं मिलता है, सुख जो होता है वो हमारे अंतर आत्मा से मिलता है। तो ये एनिमा अगर करोगे तो शुद्धिकरण होगा। बाहर घर में गंगा जल छिटकने से शुद्धिकरण नहीं होता है, शरीर के अंदर की अशुद्ध मल को निकालने से शुद्धिकरण होता है। तो ये एनिमा पॉट आज ही आप मंगवा लीजिए। और अगर आपके घर में एनिमा है तो घर के सारे सदस्यों को आदत कर दीजिए एनिमा करने की। चाहे सुबह में टाइम नहीं होता है तो शाम को करवाइए, शाम को, दोपहर में, सुबह में, कभी भी, रात को कभी भी एनिमा करवाइए। 5 साल का बच्चा जो है वो आपके घर में शांति से नहीं बैठता है, इतना एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, उसको भी शांत करने के लिए एनिमा करवाइए। एनिमल प्रोडक्ट घर में लानी बंद करनी है। जैसे हम चिकन, मटन, मांस, मच्छी, अंडे नहीं खाते हैं, वैसे एनिमल प्रोडक्ट मतलब कि मिल्क प्रोडक्ट, मतलब कि दूध की प्रोडक्ट, मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट, ये जो चीज है वो घर में लाना बंद कर दीजिए।
तभी आपके घर में सुख शांति समृद्धि और आनंद का आपके घर में संचार होगा। ये कुदरत के आशीर्वाद से मिलता है, किसी साधु संत के आशीर्वाद से नहीं मिलता है। ये आपको खुद अपने ऊपर एक महीने तक अप्लाई करना है। अगर एक महीने में आपको आपको कुछ शांति मिलती है तो फिर आप पूरे साल कीजिए और फिर आप पूरी जिंदगी कीजिए, तभी आपको लाभ होगा। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में आप हमें आके मिल सकते हो। मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है और अपॉइंटमेंट के लिए यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमें मिल सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आज ही ऑर्डर कीजिए और सिर्फ एनिमा कर से लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। तो आज ही एनिमा करना चालू कर दीजिए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे घर में झाड़ू पोछा होता है, जैसे हमारे कपड़े हम वॉश करते हैं, जैसे हमारा शरीर को स्नान करवाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर की अंदर की गंदगी है उसको शुद्ध करना है, उसको निकालना है और हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तभी हमें सुख मिलेगा, तभी हमें शांति मिलेगी, तभी हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या भाव है वो सारा का सारा चला जाएगा। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, प्रणाम, आभार। और अगर आपको ये सिस्टम से कुछ लाभ हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। और अगर आपकी कोई दवाइयां बंद हो गई हो, मेडिसिन का खर्चा बंद हो गया हो, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, माइग्रेन ये सारा क्योर हो गया हो तो आप अपना अनुभव हमें जूम मीटिंग पे इंटरव्यू देके आप हमें सारा का सारा अनुभव बताओगे तो हम ये वीडियो जो है वो पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे। और हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, ये साकार हो जाएगा। तो थैंक यू, प्रणाम, आभार।